कंगारुओं के सामने ढेर हुए भारतीय शेर, 21 रनों से जीता ऑस्ट्रेलिया। घर में रुका टीम इंडिया का विजयरथ, रोहित शर्मा की कप्तानी में हारी सीरीज। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला चेन्नई में खेला गया। कंगारू कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और उनका ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत काफी अच्छी रही। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर बल्लेबाज हेड और मार्च ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। दोनों बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 300 के पार जाएगा, लेकिन हार्दिक पांड्या ने घातक गेंदबाजी से कंगारू टीम के टॉप तीनों बल्लेबाजों को आउट कर ऑस्ट्रेलिया के सपनों पर पानी फेर दिया। वहीं इस मौके का फायदा उठाते हुए कुलदीप यादव ने भी अपनी फिरकी के जादू में कंगारू बल्लेबाजों को फंसाते हुए 3 विकेट हासिल किए। हार्दिक और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट झटके। वहीं अक्षर पटेल और सिराज ने भी 2-2 विकेट अपने नाम किए, जिसके चलते कंगारू टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 49 ओवर में ही 269 रन पर सिमट गई थी। 270 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दी। दोनों ने 65 रनों की ओपनिंग साझेदारी की, लेकिन छक्का मारने के चक्कर में रोहित पारी के 10वें ओवर की पहली गेंद पर सीन एबॉट का शिकार बने। इसके बाद 13वें ओवर में शुभमन गिल भी पवेलियन लौट गए। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ 3रे विकेट के लिए 69 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, लेकिन जंपा ने केएल राहुल को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। इसी बीच विराट कोहली ने शानदार बैटिंग करते हुए अर्धशतक जमाया, लेकिन एश्टन एगर ने पारी के 36वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली को अपने जाल में फंसाकर चलता किया। आधी टीम इंडिया 185 के कुल स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी थी, लेकिन हार्दिक पंड्या और सूर्य कुमार यादव के आने से टीम की उम्मीदें बरकरार थी। लेकिन चेन्नई के फैंस और पूरी टीम के लिए उस वक्त सबसे बुरा हुआ जब सूर्य कुमार यादव लगातार 3रे मैच में भी बिना खाता खोले पहली ही गेंद पर बॉल्ड आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव फिर गोल्डन डक का शिकार हुए। सूर्या के बाद हार्दिक और जडेजा ने मैच जीतने के लिए पूरी कोशिश की। दोनों ने साथ मिलकर टीम को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन 44वें ओवर में छक्का मारने के चक्कर में हार्दिक पांड्या आउट हो गए और फिर उसके बाद 46वें ओवर में जडेजा के विकेट ने टीम इंडिया को हार की तरफ धकेल दिया और अंत में टीम इंडिया 248 रन पर ढेर हो गई। टीम इंडिया की वर्ल्ड कप 2023 की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज जीतने के लिए रोहित एंड कंपनी को आखिरी मुकाबला जीतना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और टीम ने सीरीज गंवा दी। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम अब आईसीसी की वनडे रैंकिंग्स में नंबर 1 टीम बन गई है। दोस्तों, भारत को आखिरी बार साल 2019 में वनडे सीरीज में हार मिली थी और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और एक बार फिर से कंगारुओं ने भारत को रौंद कर वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।